खबर पर कोमल हमारी संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल, अभी आप मधुकर के घर के बाहर से रिपोर्टिंग कर रही थी और बता रही थी कि ताला वहां पर जड़ा हुआ, लेकिन अभी कुछ देर पहले आईजी ने ऐलान कर दिया है जो भी फरार मधुकर आयोजक का पता बताएगा उसे 1,00,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए लगातार आयोजक जो है, पहले तो बाबा लापता हो जाते हैं, बाबा फरार है, लगातार तफ्तीश चल रही है, लेकिन इस बीच अब मुख्य सेवादार जो है देव प्रकाश मधुकर वो फरार है। लेकिन इस बीच बात करें तो देखिए ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है, इसी इलाके में देखिए सीधे वाला जो घर है वो देव प्रकाश मधुकर का है, और जब से ये घटना घटी है, जब भगदड़ मची उसके बाद उस पर FIR होती है, वो अपने परिवार के साथ यहाँ से भाग जाता है, और उसके बाद 3 दिन हो गया है उसके घर के बाहर ताला जड़ा हुआ है। उसके एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमने आपको अभी दिखाई, और साथ ही साथ इस इलाके की बात करें तो सिर्फ केवल वो तो मुख्य सेवादार का ही घर नहीं है, बल्कि और ऐसे 4 आयोजक हैं जिनका घर आमने सामने है, और वो सारे आयोजक जो है यहाँ से फरार है, लापता है। तो ऐसे में बहुत गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, गंभीर है कि आखिर कहाँ ये आयोजक है और कहाँ बाबा है। प्रगति भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गई है। प्रगति, क्योंकि आज रेंज ने भी इसका ऐलान किया कुछ देर पहले आकर कि 6 जो आयोजक है उन्हें अभी फिलहाल गिरफ्तार यहाँ पर किया गया, पूछताछ यहाँ पर हो रही है, लोग वहां पर है वो क्या कुछ कहते हैं, और बाबा को लेकर कोई सुराग क्या अभी तक किसी के पास है? बिल्कुल, यहाँ पर देखिए थोड़ी देर पहले घटना स्थल पर ही AP सिंह भी पहुंचे थे, जो कि एडवोकेट हैं बाबा के, और वो बता रहे थे कि जो बाबा हैं वो आश्रम में ही हैं और जहाँ पर उन्हें होना चाहिए वहीं पर हैं वो। फिर हमने उनसे पूछा कि इस मामले में वो आगे बढ़कर क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्यों पुलिस उन तक नहीं पहुंची है, और क्योंकि वो तो पुलिस तो छानबीन कर रही है लेकिन क्यों इसको लेकर कोई अभी तक जानकारी सामने नहीं आ रही है। तो वो पॉजिटिव ही वहाँ पर सुमित जानकारी दे रहे थे, लोग यहाँ पर हैं उनसे बातचीत कर लेते। देखिए इस तरफ पहले संतोष दिखा देते हैं, ये वो जगह है जहां पर एकदम भगदड़ मची, अभी फिलहाल पानी सूख चुका है लेकिन चप्पल कहीं बिखरी दिखाई दे रही है, सामान और पंडाल क्योंकि उड़ा भी था वहां पर और हटा भी दिया गया था सामान, क्या स्थिति है। अब संतोष जरा दूसरी साइड इनको दिखा दीजिए, अब ये जो ऑपोजिट साइड है वो जगह है जहां पर शव पड़े थे। सवाल ये है कि जब यहाँ पर लोगों को कुचला गया, वो क्योंकि भीड़ इतनी इकट्ठी हो गई थी, कुचल दिए गए, दर्दनाक मौत हुई, फिर शव वहां कौन लेकर गया, क्या पूरा मामला है, लोग हमारे साथ हैं उनसे ही जान लेते हैं। आप बताइएगा कहाँ ये घटनाक्रम हुआ, कैसे शव वहां पहुंच गए, और लोग आपके गाँव से जो आते हैं इन बाबा को लेकर वो क्या कहते हैं? कहा बताऊँ यहाँ पर बहुत काफी भीड़ थी, भीड़ होने के बाद में बाबा ने अपने वचन दिए, वचन देने के बाद में बाबा जब यहाँ से निकले, निकलने के बाद में उनकी गाड़ी करीब निकल गई होगी 15-20 मिनट पहले। उसके बाद में बाबा के जाने के बाद जो महिलाएं थीं और जो माता बहनें थीं उनके जो चरण स्पर्श करते हैं उनकी गाड़ी जाने के बाद में, और भीड़ ने पीछे से पेला दिया, वो महिलाएं दबी की दबी रह गई, करीब होती थी 250-300 किलो। वो CCTV हमने दिखा दिया, लेकिन ये आधे शव आप बता रहे थे पहले यहाँ पे थे, फिर वहाँ पर कौन लेकर आया डेड बॉडीज को? डेड बॉडी कौन लेकर आएगा, सब उन्होंने निकलवाई थी, और हाँ डेड बॉडी तो पल्ली तरफ थी ना, तो जैसे यहाँ पर जो हम लोग थे और हमारे भाई थे उन्होंने सबने सहयोग दिया, उनको निकाला एम्बुलेंस में पहुँचा करके, वो अपने सरकारी अस्पताल में जैसे सिकंदर राव, कासगंज, अलीगढ़, जैसे यहाँ से व्यवस्था बनी, प्रशासन भी लगा हुआ था, लेकिन ये हुआ है तो सब प्रशासन की वजह से। भैया आप भी इसी गाँव से? हाँ ये बराबर का है। आपके गाँव से कितने लोग इस सत्संग में पहुँचे थे? कम से कम होंगे 400-450 लोग। वो सुरक्षित है? हाँ वो सुरक्षित है। तो बाबा ऐसा क्या बताते हैं जो लोग उनकी इतनी आस्था बाबा में है लोगों की और वो जुड़ते हैं, क्या प्रवचन देते हैं वहाँ पर? बाबा ने कहा था कि अपने ये मांस मछली दालू और ये अपने दारू भारू मत पीना, और उन्होंने कहा था ये सब एक तरफा बाबा के रंग में रंगे हुए हैं इसलिए यहाँ आते हैं, लेकिन हमारे गाँव से 450 हमारे यहाँ कम से कम वोटिंग होगी तो 2,000 की वोटिंग होगी, उसमें 450-500 लोग आए हुए थे बस। तो ये जो बॉडीज फिर एकदम, क्योंकि आसपास के जिलों के लोग यहाँ पर पहुंचे, तो अस्पताल कौन लेकर गया, क्या हुआ, कितने कमांडोस कितने थे? प्राइवेट वाहन लेके गए, कुछ कमेटी वाले लेके गए, उनके साथ वाले थे वो भी लेके गए, ये लेके गए थे अगर सच्चाई। अस्पताल में बाबा के कोई भी सेवादार नहीं लेके गए, सब हक के लोकल लोग लेके गए हैं गाड़ियों से। मैं अस्पताल में 4:30 से 5:30 रहा, जब मेरा खुद ऐसा लगा कि BP मेरा बढ़ रहा है तो मैं वहां से फिर चला आया
देखा नहीं जा रहा था इसलिए। कितनी संख्या में लोग पहुंचे होंगे? अनुमान मुझे, मैंने जो देखा था कमरा वगैरह, वहाँ 120 महिला 8 बच्चे दिखाई दिए मुझे, फिर मुझे घबराहट हो गई, मैं चला आया। अभी भी जो भक्तों से बात हुई उन लोगों का अभी भी विश्वास है, वो कहते हैं कि नहीं बाबा अच्छी बात ही बताते हैं, लेकिन इतनी भीड़ और ये सब जो हुआ। देखिए जी मैम, जिनको अच्छा लगता है लगता होगा, भाई ईश्वर ईश्वर ही होता है, मनुष्य ईश्वर नहीं हो सकता, इतना मैं जानता हूँ। बिल्कुल। और ये भी जरा बताइएगा आप, यहाँ पर साफ तौर पर बाबा की तरफ से, क्योंकि वकील पहुंचे थे वो बोलते हैं प्रशासन की लापरवाही है, और जनता में आक्रोश है, वो कह रही है साफ तौर पर यहाँ पर बाबा की लापरवाही है। आप तो वहाँ पर मौजूद थे मैम, उन्होंने तो मक्का मदीना की दुहाई दी थी वकील साहब ने, जबकि मक्का मदीना में भीड़ होनी, 1.25 करोड़ की भीड़ थी, और वहाँ जो कैजुअल्टी हुई सब 60 से ऊपर हुई, और आज से 15 दिन पहले गर्मी का। नहीं वो तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ बाबा आते हैं तो सब अपने रंग में रंगे हुए थे, और लेकिन बाबा क्या वचन दे रहे थे? कुछ नहीं वचन दिया उन्होंने। धूल लेने को कहा था? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कुछ कहा था, लेकिन सब लोग लेते हैं, इनको पता होगा कि बाबा के पास शक्ति है। ठीक है प्रगति, देखिए जिन लोगों ने वहां की स्थिति देखी वो हाल बयां कर रहे हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जरा वो बता दे सूरज पाल से पूछताछ के लिए। देखिए अब पुलिस का जो है बयान सामने आया है, जरूरत हुई तो पूछताछ भी करेंगे। बाबा की भूमिका की जांच जारी है, और ये पुलिस की तरफ से बयान सामने आया है, तो सूरज पाल से पूछताछ कर पुलिस जो है ये कह रही है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो पूछताछ भी की जाएगी। और सूरज पाल जिसकी तलाश देखिए लगातार हो रही है, लेकिन सूरज पाल कहाँ है जिसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। ऐसे में सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिर सूरज पाल कहाँ छिप गया है, किस बिल में छिपा है जो इतना समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली है। लेकिन पुलिस ये कह रही है कि पूरे मामले को लेकर तफ्तीश जारी है, लगातार जाँच भी हो रही है। थोड़ी देर पहले अलीगढ़ आईजी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ये जानकारी दी गई कि अब तक क्या एक्शन लिया गया है, क्या कार्रवाई हुई है। बताया ये गया कि 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जो सेवादार है। इसके अलावा भी आपको बता दें कि किस तरीके से पुलिस जो इस पूरे मामले को लेकर अब आगे कार्रवाई कर रही है, ये भी जानकारी दी गई। लेकिन इस बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि जरूरत हुई तो पूछताछ भी करेंगे, और पूछताछ लगातार लोगों से भी हो रही है, और बाबा की भूमिका की भी जांच जारी है। लेकिन देख लीजिए पुलिस का जाल बिछ चुका है, तो सूरजपाल बचेगा नहीं।